तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रदीप फॉस्फेट के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड के रूप में 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से देने का ऐलान किया है। तो याद रखिएगा 50 पैसे का कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर्स क्या है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 4,398 करोड़, पिछले साल मात्र 1,898 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,643 करोड़ के आसपास आ चुका। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 98% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास की गिरावट है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,161 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,872 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,683 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था, पिछले साल मात्र 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के अप्रोक्सीमेटली 9.5 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। वो गिरावट क्यों है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़े हैं पिछले साल के मुकाबले। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो कम कंपनी को टैक्स पे करने पड़े हैं, लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू कम हो गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2.21, पिछले साल 0.863, अभी देखें तो 0.17 के आसपास। तो ओवरऑल आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स कैसे हैं, तो नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के हैं, कुछ अच्छे तो लग नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत लार्ज स्केल पर क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो कंपनी पूरी तरीके से निगेटिव रिजल्ट की ओर इशारा कर रही है, लेकिन कंपनी का रिवेन्यू जो है वो साल दर साल डबल हो चुका है, तो वो हल्का सा सेंटिमेंट को पॉजिटिव करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के नंबर है, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे यही होना चाहिए, ज़्यादा से चांसेस है कि नीचे की ओर आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।